सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर तहसील के करीबी गांव साबौता में एक ट्रक राशन का गेहूं और चावल बरामद किया गया है। आरोप है कि राशन एक राशन डीलर की दुकान से पकड़ा गया है जिसे कालाबाजारी के लिए भेजा जा रहा था। उप जिलाधिकारी गुंजा सिंह और तहसीलदार दुर्गेश सिंह के निर्देशानुसार बालेंदु भूषण वर्मा नायब तहसीलदार जेवर ने मौके पर पहुंचकर रंगे हाथों एक ट्रक गेहूं और चावल बरामद किया है, जिसके बाद बरामद गेहूं को तहसील प्रांगण में लाया गया। उप जिलाधिकारी द्वारा मामले की जांच सप्लाई इंस्पेक्टर दिव्या जिंदल को सौंपी गई है, जिसके बाद पता चलेगा कि यह बरामद गेहूं कहां ले जाया जा रहा था और कहां से आया था। 131 कट्टा गेहूं और 149 कट्टा चावल ट्रक से बरामद किया गया है। ये ट्रक यूपी 81 BP 99 अभी ललित गोयल की दुकान से सामान मतलब गेहूं और चावल कालाबाजारी के लेके चला है। इसे तहसीलदार महोदय जी ने अभी रंगे हाथों पकड़ा है और यहाँ पर मौके पर काफ़ी लोग हैं गांव के और इनके सबके सामने पकड़ा है। मैं बूथ अध्यक्ष सोनू शर्मा, मेरी शिकायत पर महोदय तहसीलदार जी ने अभी रंगे हाथ इसको पकड़ा है। इसमें अवैध चावल गेहूं की कम से कम 100 से 150 बोरियां हैं जो कि राशन डीलरों से खरीद कर और यहाँ पर बेची जा रही हैं। कालाबाजारी खुलेआम की जा रही है ललित गोयल के द्वारा। मेरी शिकायत पर मैं सोनू शर्मा गांव साबौता से बूथ अध्यक्ष हूँ भाजपा का और मेरी शिकायत पर मैंने फ़ोन किया था। नायब तहसीलदार जी मौके पर पहुँचे और इस कट्टे को रंगे हाथ पकड़ा है। इसमें हजारों कट्टे हैं, नीचे चावल हैं, ऊपर गेहूँ हैं और दुकान में अभी भी हजारों की संख्या में कट्टे भरे हुए हैं जो कि नायब तहसीलदार जी ने खुद वीडियो बनाई है। वहाँ पर काफ़ी लोग 50 लोग मौजूद थे तो इस मामले में हम मेरी शिकायत पर वहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी लोग वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। ये काफ़ी पहले भी कालाबाजारी में पकड़े गए थे लेकिन किसी भी तरह से अपना नाम निकलवा लिया या कैसे भी करा। ये इनका धंधा है, राशन डीलरों से गरीबों का हक छीन के खुद बेचते हैं, कम दामों पर खरीद के महंगे दामों पर बेचते हैं। ये जो लड़का बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, ये आज से धंधा चल रहा है। क्या कुछ हुआ है? हमें मैसेज मिला कि वहाँ पे इस तरह से वो चल रहा है, ट्रक लोड हो रहा है और उसमें नीचे चावल हैं राशन डीलरों से। अब ये कह रहे हैं कि 2-2.5 किलो किसान दे जाते हैं। अगर जो किसान देता है तो किसानों को बुलाओ एक बार, कौन किस किसान ने दिए वो बताएंगे किसान कि हमने बेचे इसको। किसानों से तीसरे दिन जब ट्रक लोड होता है किसान इतनी मात्रा में 2.5 किलो चावल या गेहूँ देंगे तो तीसरे दिन इतना इकट्ठा नहीं होगा माल। अब भी माल भरा हुआ है और पूरा मतलब जो है रोज डेली काम चल रहा है और गांव के लोग आते हैं टेम्पू भर भर के, राशन डीलर जो है वो लाते हैं, उनसे बंधे हुए हैं इसके। कई बार देखा है कई बार। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों जेवर के करीबी गांव साबौता में एक ट्रक गेहूं और चावल पकड़ा गया है। यहां जेवर के नायब तहसीलदार बालेंद्र वर्मा ने एक ट्रक गेहूं और चावल पकड़ा है जिसमें ट्रक में गेहूं और चावल दोनों के होने की बात कही गई है। आप देख सकते हैं ये वो गेहूं और चावल है जिसको जांच अधिकारियों ने आकर जांच की है और उसके बाद अब लिखाई पढ़ाई का काम चल रहा है कि कितना इस ट्रक में गेहूं था और कितना चावल पकड़ा गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले ये ट्रक गांव साबौता से तहसील में लाकर खड़ा किया गया था, उसके बाद जो सक्षम अधिकारी हैं नोएडा के उन्होंने यहां आकर जांच शुरू की थी, उसके बाद अब गिनती की गई है कि इसमें कितने कट्टे गेहूं थे कितने कट्टे चावल थे, उसके बाद अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी शख्स है इस मामले का, जिस पर इस मामले का आरोप लगा है कि उसने राशन डीलरों से लेकर ये अपने यहाँ संग्रहण किया था, उस आरोपी ने भी हमसे बात की है। आइए जानते हैं उसका क्या कहना है इस सब को लेकर। साबौता से तो ये ट्रक वगैरह कहाँ से आया है, तुम कहाँ से आए हो जरा मुझे बताओ। साबौता से। अच्छा, इनको हमने गेहूँ अपने खेत का किसानों का वो गेहूँ है इसमें और थोड़ा सा चावल जो खरीदते राशन डीलर वाले जो गांव के किसानों को बांटते हैं फ्री का जो बट रहा है 2 महीने से उसको हम थोड़ा थोड़ा करके खरीद लेते हैं, वो इकट्ठा हो जाता है, हम किसी भी व्यापारी को बेच देते हैं।
तो दोस्तों पूरे मामले की जांच करने के बाद अधिकारी अपनी गणना कर रहे हैं और उन्होंने टोटल जो रिपोर्ट हमें बताई है वो ये कि 131 कट्टा गेहूं और 149 कट्टे चावल के बरामद किए गए हैं और पूरी जांच के बाद जो भी कार्रवाई होनी है वो की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नितेश छोंकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।